हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज ऐश्वर्या। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मुझे मीशो ऐप से बहुत ज्यादा प्यार है, तो उसी प्यार को बरकरार रखते हुए आज हम करने वाले हैं एक मीशो टॉप्स हॉल। मैंने मीशो से मंगवा लिए हैं 5 टॉप्स जो कि सारे के सारे 300 रुपीज के अंडर है। तो ये जो हॉल है वो बजट फ्रेंडली भी होने वाला है और जो टॉप्स है उनकी स्टाइल कितनी झकास है ये आपको ये वीडियो देखने के बाद पता चलेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोगों को कोई भी टॉप पसंद आता है तो मैंने कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से जाके कोड को कॉपी करके मीशो में पेस्ट करके आराम से उसे परचेज कर सकते हो। और हाँ, जो प्राइसेस है वो मैं स्क्रीन में लिख दूंगी और जो साइज मैंने लिया है वो भी मैं स्क्रीन में मेंशन कर दूंगी। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस हॉल का जो पहला टॉप है और वो मेरा फेवरेट टॉप है वो है ये, जो कि अभी मैंने पहना हुआ है। ये व्हाइट कलर का क्रॉप टॉप है। इसके स्लीव्स आप ऑफ शोल्डर पहन सकते हो, ऑन शोल्डर पहन सकते हो और इसके बैक में नॉट दिया हुआ है बांधने के लिए। ये इतना ज्यादा क्यूट और प्रिटी है, आप देख सकते हो वीडियो में, बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। जब मैंने इसे पहना मुझे बहुत ही ज्यादा क्यूट वाइब आ रही थी, तो मुझे तो ये टॉप काफी ज्यादा पसंद आया। लेकिन एक प्रॉब्लम है इसके क्वालिटी में, इसका जो कपड़ा है वो थोड़ा सा सीन थ्रू है। मतलब अगर आप इसके अंदर कोई डार्क कलर पहनोगे तो वो दिखेगा, मतलब इसके अंदर आपको कुछ व्हाइट ही पहनना पड़ेगा तभी ये कंफर्टेबली आप पहन पाओगे। बाकी इसका डिजाइन मुझे बहुत अच्छा लगा, क्वालिटी थोड़ा सा कम था। सो इस टॉप का प्राइस मुझे डिस्काउंट के बाद पड़ा है 158 रुपीज, जो कि काफी ज्यादा सस्ता है। मुझे तो ये टॉप बहुत ज्यादा पसंद आया और इसका लुक भी काफी ज्यादा क्यूट है। तो चलो अभी देखते हैं अपना सेकंड टॉप। तो हमारा सेकंड टॉप है ये। बेसिकली ये एक शर्ट है जिसमें ब्लैक एंड व्हाइट लाइन्स पड़ी हुई है। इसका लुक मुझे थोड़ा थोड़ा शीला की जवानी सॉन्ग में जैसा कटरीना ने पहना हुआ था वैसा लग रहा था, बट वो ब्लैक एंड व्हाइट, मतलब व्हाइट शर्ट और ब्लैक उसमें था, बट इसमें क्या है लाइन्स पड़ी हुई है और सेम ऐसा यहाँ पर टाई करने के लिए दिया हुआ है। इसमें बटन्स हैं, बटन्स की क्वालिटी इनको थोड़ी अच्छी देनी चाहिए थी, मुझे बटन्स बिल्कुल ज्यादा पसंद नहीं आए। इतनी ज्यादा चीप क्वालिटी के बटन्स लगाए हुए हैं कि क्या ही बताऊं मैं। बाकी टॉप तो बहुत अच्छा है, फिटिंग भी बहुत अच्छी आई मुझे और जब इसको मैंने टाई किया तो इतना ज्यादा क्यूट लुक दे रहा था, मतलब कोरियन वाइब्स दे रहा था ये मुझे थोड़ा सा। तो ये टॉप भी मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, पहनने के बाद बहुत अच्छा लग रहा था। ये क्वालिटी अच्छा है, मतलब टॉप का क्वालिटी अच्छा है, बस मुझे ये बटन्स का क्वालिटी नहीं समझ में आया, बट कोई नहीं, बटन्स हम चेंज भी कर सकते हैं। बाकी लुक बहुत अच्छा है। स्लीव्स हल्की सी पफ दी हुई है यहाँ पे, स्लीव्स आपको थोड़ी सी पफी लगेंगी पहनने पर। मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आया ये टॉप और इसका मटेरियल भी काफी ज्यादा सॉफ्ट एंड कम्फी है। कोड मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, परचेज करना हो तो आप परचेज कर सकते हो। तो चलो देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉप। सो हमारा नेक्स्ट टॉप है ये ब्लू कलर का टॉप है। ऐसा टॉप लेने का मेरा काफी टाइम से मन था। मैंने एक बॉडीकॉन स्कर्ट ली थी जो मैंने बहुत बार पहना है वो स्कर्ट को, तो मुझे उसके लिए कुछ ऐसा टॉप चाहिए था। अभी फाइनली मैंने ये ले लिया है। तो इसकी जो स्लीव्स है वो पफ है और इसमें नीचे जो है फ्लेयर दिया हुआ है टॉप में, तो ये लुक मुझे काफी ज्यादा पसंद आता है। आप सोचो आपने ये टॉप पहना है और नीचे बॉडीकॉन स्कर्ट पहनी है, काफी ज्यादा अच्छा लगेगा इसका लुक। कलर बहुत ज्यादा प्रिटी है, आप देख सकते हो कलर बहुत ज्यादा क्लासी कलर है ये। ऐसा कलर मतलब ब्लू तो आपको मिलेगा, ब्लू में ये शेड मुझे काफी ज्यादा पसंद आ रहा है और इसका जो नेक है वो भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। कपड़े का क्वालिटी मैं बताऊं, कपड़े का क्वालिटी बहुत अच्छा है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा सा समर एप्रोप्रिएट नहीं है, ये थोड़ा सा गर्म, मतलब आपको स्वेटिंग होगी इसको पहनने के बाद। बाकी यही प्रॉब्लम मुझे इसमें लगी, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। टॉप अच्छा है, लुक अच्छा दे रहा है, क्वालिटी भी अच्छी है। और इसका प्राइस मैं बताऊं, इसका प्राइस है 283 रुपीस, जो कि काफी ज्यादा सही है इस क्वालिटी के हिसाब से। सो आई जस्ट लव दिस टॉप, बहुत पसंद आया मुझे ये टॉप
और ऐसे टॉप्स का लुक बहुत अच्छा आता है बॉडीकॉन स्कर्ट के साथ। तो इसका भी कोड मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है, आप वहां से जाके इसे परचेज कर सकते हो। तो क्या बोल रही हूँ मैं, मेरी आवाज क्या। तो चलो देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉप। सो हमारा नेक्स्ट टॉप है ये ब्लू कलर का शर्ट टॉप है। इसके बटन्स मैंने खोल दिए हुए हैं और बंद नहीं किए, सॉरी फॉर दैट। तो इसमें ये टॉप मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। इस हॉल में जो मेरा दूसरा फेवरेट टॉप है वो ये है, क्योंकि ये ऐसा टॉप है कि अगर आपको कहीं इंटरव्यू देने जाना है या कहीं फॉर्मल में जाना है तो ये उसको मतलब उस टाइम पहनने के लिए ये बहुत ही ज्यादा अच्छा ऑप्शन है और मुझे काफी ज्यादा क्लासी लग रहा है। मतलब आप इसको पार्टीज में भी पहन सकते हो, इतना ज्यादा क्लासी टॉप है ये। इसमें ये जो रफल लगा हुआ है वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया और ये जो ब्लू इसमें लाइंस पड़ी हुई हैं ये आपको थोड़ा सा थिन भी दिखाती है, तो इसलिए भी मुझे ये टॉप काफी ज्यादा पसंद है। इसमें भी एक प्रॉब्लम है, मुझे बटन्स की क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। इतना अच्छा टॉप बनाने के बाद आप कैसे बटन्स यूज कर देते हो, मुझे बटन्स नहीं अच्छे लगे। बाकी टॉप का क्वालिटी अच्छा है, समर एप्रोप्रिएट मैं कहूंगी कम है। फिर से ये थोड़ा गर्मी मतलब आपको स्वेटिंग होगी इसको पहनने के बाद, क्योंकि कपड़ा जो है वो बहुत ही ज्यादा मैं क्या बताऊं थोड़ा मोटा कपड़ा है इसका। बाकी टॉप अच्छा है, लुक अच्छा आता है एंड मुझे बहुत पसंद आया। ये मेरा पर्सनल फेवरेट है क्योंकि इसका लुक जैसा मुझे लुक पसंद है वैसा है इसका लुक। सो इसका भी कोड मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है, वहां से जाके आप इसे परचेज कर सकते हो। तो चलो अभी देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉप। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रोडक्ट है ये, जो कि है एक ओवरसाइज्ड टी शर्ट। और इसको ज्यादा ओवरसाइज्ड करने के लिए मैंने इसको एक्सेल में ऑर्डर किया था, एक्सेल साइज में। तो मैं आपको दिखाती हूँ। सो ये है टी शर्ट और इसका प्रिंट मुझे इतना ज्यादा पसंद आया। मतलब इसका जो प्रिंट है वो मल्टी कलर प्रिंट है, आप देख सकते हो मतलब कितने सारे कलर्स हैं इसके प्रिंट में। तो इसलिए मैंने ये टी शर्ट ऑर्डर कर लिया। बट एक प्रॉब्लम है, ये टी शर्ट भी समर अप्रोप्रिएट नहीं है। मैंने समर के लिए ही ऑफकोर्स टी शर्ट मंगाई थी, बट ये अंदर से थोड़ा सा ज्यादा थिक मटेरियल है, ये प्रॉब्लम हो गई। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको समर में कैसे पहनूंगी। बाय द वे ये टी शर्ट का लुक बहुत ज्यादा क्यूट है, अगर आप इसको विंटर्स के लिए सोच रहे हो तो जल्दी से ले लो जाकर, बहुत ही ज्यादा क्यूट है, बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। और ओवरसाइज में मुझे ये पीस बहुत ज्यादा पसंद आया एंड साइज आप देख सकते हो, मैंने एक्स्ट्रा लार्ज ऑर्डर किया था। और इसको आप जीन्स के साथ कैरी कर सकते हो, स्ट्रेट फिट जीन्स के साथ कैरी कर सकते हो, ट्राउजर्स के साथ कैरी कर सकते हो, किसी भी चीज के साथ इसको कैरी कर सकते हो। ये बहुत ज्यादा क्यूट लगने वाली है। सो गाइज, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड स्टे कनेक्टेड विद मी। मैं ऐसे ही हॉल्स, मेकअप वीडियोज और व्लॉग्स और भी तरह तरह के वीडियोज लाती रहूंगी। So stay connected with me. Bye-bye.